कांग्रेस के बाद सत्ताधारी झामू यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय में जेपीएससी माफिर जेएससी के पंचायत सचिव के जो सफल अभ्यर्थी हैं वो यहाँ घेराव करने पहुँच गए हैं। बड़ी संख्या में जेएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो तस्वीरों के माध्यम से आप देख पाएंगे कि इससे पहले वो ये लोग राजभवन के पास डेरा डाले हुए थे, लेकिन वहाँ से इन लोगों ने फैसला किया कि कांग्रेस कार्यालय में जिस तरह घेराव किया गया उसी तरह का घेराव अब सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय में भी किया जाना चाहिए। लिहाजा अभी कार्यालय के बाहर तमाम जो लोग हैं वो बैठ गए हैं, अंदर कुछ लोग हैं जो पार्टी कार्यालय हैं उनसे बातचीत चल रही है। अब देखने की बात यह होगी कि क्या कुछ डिसीजन होता है और क्या कुछ निर्णय हो पाता है। तो फिलहाल ये है कि तमाम जो लोग हैं जब जेएसएससी के अभ्यर्थी हैं वो कांग्रेस कार्यालय की तरह ही यहाँ पर बैठ गए हैं। अब पूछना ये होगा, जानना ये होगा कि आखिर अंदर में उनकी क्या बातचीत हुई है और क्या आश्वासन इनको मिला है। अंदर में बातचीत हुई, क्या आश्वासन मिला? देखिए वहाँ से आश्वासन यही मिला कि आपके 5 डेलीगेट्स लोग आएंगे और सुप्रियो दास से बात करेंगे और वो अपना स्थिति को समझेंगे और वो जो भी कुछ समझेंगे उसके उपलक्ष्य में जो भी उनके पास में निराकरण होगा हम लोग के सामने आकर के वो बात को रखेंगे। तो आप लोगों को उनके आवास पर ले जाया जाएगा? नहीं, वो सुप्रियोदा खुद ही आएंगे और हमारी बात को समझेंगे और समझने के बाद में और आकर के हमारे सामने अपनी जो चीजें हैं उस चीज को वस्तुस्थिति को स्पष्ट करेंगे। इससे संतुष्ट हैं आप लोग? देखिए पार्टी कार्यालय में आए हैं, हम लोग का उद्देश्य ये नहीं है कि हम पार्टी कार्यालय में आकर के धरना करें, हम लोग का उद्देश्य है कि हम लोग वार्ता करें और सोल्यूशन निकालें। तो सोल्यूशन मिल जाएगा तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एग्री करते हैं इसी बात को। जिस तरह पहले कांग्रेस फिर जेएमएम इसी तरह तमाम पार्टियों कार्यालय में धरना होगा? और देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो मांगे हैं कि सबसे पहले तो हमारी नियुक्ति होनी चाहिए, नीतिगत हम लोग सही हैं तो उसी पे हम लोग बात वार्ता करेंगे। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। जी तो यहाँ लग रहा कि आपके जो दिशा सही है? बिल्कुल, देखिए रूलिंग पार्टी के कार्यालय में आए हैं तो निश्चित रूप से बिल्कुल एक पॉजिटिव होप के साथ में आए हैं, तो उम्मीद है कि हमारी मांग को सुनी जाएगी। यहाँ पर बताया गया था कोविड प्रोटोकॉल का वायलेशन आप लोग कर रहे हैं। होना भी चाहिए, कोविड है वो का प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए, इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं वो सब लोग डिस्टेंसिंग बना करके बैठे और कुछ भी करें। जी जी, इस तरह का दबाव का लग रहा है कि फलाफल कुछ निकल पाएगा? देखिए सबसे पहली बात है कि रूलिंग पार्टी के कार्यालय में आए हैं तो बहुत बड़ा पॉजिटिव होप के साथ में आए हैं, लग रहा है कि इन लोग कुछ बात को सुनेंगे और आगे की कार्रवाई हमारे हित में रह करके सोचेंगे। और भी कुछ अभ्यर्थी हैं? किरण मैडम आप भी अंदर भी बात कर रही थी, तो पार्टी पदाधिकारियों को बातचीत से क्या लग रहा है, कॉपरेट कर रहे हैं वो लोग? हाँ कॉपरेट तो कर रहे हैं, अभी फिलहाल तो ऐसे लग रहा है कि कॉपरेट कर रहे हैं, आप देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ से आप लोग कोई डिसीजन लेकर ही जाएंगे? हाँ देखते हैं, मिलने तो आए हुए हैं, डिसीजन उम्मीद है कि डिसीजन लेकर के ही जाएं, देखते हैं क्या होता है। कांग्रेस कार्यालय के बाद यहाँ पर आना क्या लगा, तमाम पार्टी कार्यालय से घेराव होगा? हाँ बिल्कुल होगा, तमाम पार्टियों से। आपको क्या लग रहा है इस तरह पार्टी कार्यालय घेराव से कुछ रिजल्ट मिल पाएगा? देखिए जब सरकार इनकी है तो इनका घेराव तो करना जरूरी है, अगर हम अपना डिमांड को कहाँ रखें, अपना मांग को लेकर हम कहाँ जाए, राजभवन के पास हम लोग इतने दिन तक बैठे रहे, कोई तो हमसे मिलने के लिए आ ही नहीं रहा, तो कहीं तो जाना होगा ना हम लोग को अपने मांग को बताने के लिए। हम लोग का एक ही मांग है कि हमारा नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाए, और तो कुछ हम लोग मांग नहीं रहे हैं। ये वैकेंसी आज की नहीं है, ये वैकेंसी 5 साल पुरानी वैकेंसी है, और कितना दिन इसको लटका के रखना है, कब तक हम लोग इस तरह से अंधकार में रहेंगे? आपको क्या लग रहा है कि इस तख्ती की आवाज जो है सरकार तक पहुंचेगी? सरकार तक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि इस सरकार को हमने 1830 पहुंचा दिया है, सीट का बात कर रहे हैं, पहले कहां 18 थी अब 30 सीट पर पहुंचा दिए हैं, अब 30 से 3 होने में भी देर नहीं लगेगी अगर इस तरह का रवैया अपनाई तो। इसलिए हम लोग इस सरकार से उम्मीद जगाए थे और इस सरकार से उम्मीद के बदौलत हमने जो है आरक्षित सीट से अधिकतर जो विद्यार्थी है ना वो उन 13 अनुसूचित जिलों से हैं, जिन्हें जहाँ से जेएमएम का गर्व माना जाता है, वहाँ से उन लोगों को जिता के हम लोग जो है सरकार पर बिठाएं, तो हम लोग को तो बनता है ना कि हम सरकार से पूछें। सरकारें आती है आएगी जाएगी, अब हमेशा परमानेंट नहीं है, तो हम बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप जो हम लोग की मांगे हैं जो संवैधानिक रूप से हाईकोर्ट में भी कह दिया, सब जगह दिया, अब उसे पूरा करें, बस हम इतना ही सरकार से उम्मीद लगाने के लिए यहाँ पर जेएमएम कार्यालय आए हैं बस। ये तस्वीर आप देखते हैं किस तरह से जेएमएम कार्यालय, ये पार्टी कार्यालय प्रभारी हैं ये लोग, 5 डेलीगेट्स हैं, उनका जो नंबर लिया जा रहा है उनके बाद फिर उनको सुप्रियो दास से मुलाकात, सुप्रियो भट्टाचार्य से मुलाकात कराई जाएगी, उनसे बातचीत कराई जाएगी। और ये देखिए वार्ता चल रही है और जो अभ्यर्थी के जो पेरेंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी बातचीत कर रहे हैं, अब देखना होगा कि क्या कुछ रिजल्ट निकलता है। क्या बोल रहे हैं? कोई नहीं है,
सुप्रियो जी नहीं है अभी, रांची में नहीं है, रांची में नहीं है, वो कहीं बंगाल में कहीं गए हैं मंदिरों में घूमने के लिए, वो संडे को टाइम दिए, संडे को आने बोल रहे हैं। संडे को हाँ हाँ, तो हम लोग रोज रोज इसी तरह से घूमे, कभी कांग्रेस ऑफिस, कभी जेएमएम ऑफिस, तो कभी राजद ऑफिस, सरकार तो आपको बुला तो भी नहीं रहा, आप अपनी मर्जी से जा रहे हैं। तो हम लोग अपनी मर्जी से आखिर क्यों जा रहे हैं, आप भेज रहे हैं, आप इनडायरेक्टली भेज रहे हैं, चक्कर लगवा रहे हैं, आप यदि संकल्प संख्या 229 वापस नहीं लेते तो हम लोग वापस कहाँ आते हैं। हम वीडियो के लिए नहीं, नहीं दादा, आपको आपको देने, हम तो अभ्यर्थी के साथ हैं, अभ्यर्थियों की मांगों को बात प्रॉपर तरीके से पहुँचाने, छोड़ उनको दिखाने दे दादा, दादा उनको दिखाने भैया, उनको दिखाने दे, ये तरीका नहीं ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ भैया, कितने दिन से पार्टी ऑफिस आ रहा है, हम जमाना हो गया, जमाना हो गया, आज तक तरीका आज तक मुझे कैमरे में देखे जो ये मुझे फेस कर रहे हैं, आपको लग रहा है अभ्यर्थी को बना, नहीं भैया इनको सही लग रहा है, आपको लगता है ना, आप हर बार जानते हैं कि जब भी वैसा होता है तो हम हट जाते हैं कैमरा के सामने से, नहीं बनवा, ये तरीका गलत है, आपका भी तो तरीका गलत है, हम मना कर रहे हैं, फिर भी आप कैमरा में घुमा रहे हैं, आप बोल देते ना भाई साहब, अच्छा क्या किया जाए, हम लोग क्या सुन, आप ठीक है बात कर रहे, कौन अविश्वास कर रहे थे कार्यालय में आए हैं तो कोई नेगेटिविटी वाली बात नहीं करेगा, प्लीज थोड़ा शांत रहिए ना, ठीक है, एकदम डिसिप्लिन वे में, बना लिया ना, इसका जस्ट बात कहूँगा, वही चीज़ आवाज़ रिकॉर्ड हुआ होगा, नहीं सारे रिकॉर्ड चालू रिकॉर्ड चालू।